हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी कॉमिक वर्ल्ड में, जहाँ पर मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ ब्राइटेस्ट का एक और एक्साइटिंग पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। स्टोनजेट म्यूजियम, जहाँ पर हॉक्स के एशेस पर खड़ा एटम कुछ देख रहा था और कह रहा था कि यहाँ पर फाइट तो हुई है, लेकिन हॉक की फाइट्स में ब्लड ना हो ऐसा कभी नहीं होता, लेकिन यहाँ पर ब्लड की जगह कुछ और ही दिख रहा है। और तब उसे एहसास होता है कि वो अपने ही दोस्तों के राख पर खड़ा है और वो कहता है कि मुझे लगता है कि मैं अपने ही दोस्तों के राख पर खड़ा हूँ। और कुछ अजीब चीज़ें हो रही है कुछ दिनों से, जैसे कि फायरस्टॉर्म का गायब होना और एक्वामैन के साथ ना जाने क्या हुआ होगा। यहाँ पर मायामी के बीच में हम देखते हैं जस्टिस लीग को लोगों की मदद करते हुए, जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि जब एक्वामैन गायब हुआ उससे पहले डेडमैन ने उसे वहाँ से हटने के लिए कहा था, और जैसे ही वो उस पर वार करने के लिए तैयार हुआ वैसे ही आर्थर करी डिसॉल्व हो गया वाटर में। और यहाँ पर हॉक कहता है कि मुझे पहले से पता था कि डेडमैन बैड गाय है, और उसे समझाते हुए डव कहती है कि उसने कहा था कि उसके पास और कोई चॉइस नहीं है। तभी वो देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारी मुसीबतें आने लगी थी और ऊपर स्काई डार्क होने लगी थी। मार्स पर मार्शियन मैनहंटर अपनी ही मुसीबत से लड़ रहा था, जहाँ पर वो डीके को समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो जो कर रही है वो गलत है। उसने मैनहंटर के माइंड में जो मैनिपुलेशन डाल दिया था उस वजह से वो टेलीपैथिक कंट्रोल में था, और जो उसे दिखाने की कोशिश कर रही थी वो कभी था ही नहीं। लेकिन डीके कह रही थी नहीं, ये हो सकता है और ये हुआ है, तुम एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं, और जब मैं तुम्हारे साथ थी तुम्हारे माइंड में थी तब मैंने यही जाना था कि तुम खुश थे, तुम्हारे वो टीयर्स जॉय के थे। तब उसे छुटकारा पाते हुए वो कहता है वो टीयर्स जॉय के नहीं बल्कि वो टीयर्स रेज के थे, और वो उस पर अटैक करता है। एक बार जो 12 विलन्स और हीरोज मर चुके थे वो रेजरेक्ट हुए हैं वाइट लाइट के जरिए, क्योंकि अर्थ के डीप सेंटर से आ चुकी है, और उसके पीछे की वजह अभी तक एक राज बनी हुई है, लेकिन हम इसी राज को सुलझाएंगे ब्राइटेस्ट डे में। यहाँ पर डीके मार खाई जा रही थी, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं थी कि जो मार्शियन मैनहंटर कह रहा है वो सही है, वो एक मैनिपुलेशन की शिकार हो चुकी है, और जो वो कन्विंस कर रही है वो उसने खुद नहीं समझा है। लेकिन यहाँ पर वो उस पर वार करते हुए कहती है तुम इन सबको फैंटेसी नहीं मान सकते, भले ही सबको तुम गलत ठहरा दो, लेकिन जो बच्चा मेरे पेट में है वो नहीं। तब उसका गला दबाते हुए मार्शियन मैनहंटर कहता है कि तुम्हारे हेड में से ये बात निकालनी होगी, तुम्हें लगता है कि ये सच है? तब वो कहती है हाँ, क्योंकि जितने लम्हे मैंने तुम्हारे साथ गुजारे हैं और जितने वक्त में तुम्हारे साथ हम बिस्तर हुई हूँ उसके हिसाब से तुम मेरे बच्चे के बाप हो। और वो कहता है अपना मुंह बंद रखो बिच, और वो एक फॉर्म लेते हुए उसके माइंड के अंदर झांकते हुए कहता है अब थोड़े माइंड इन्वेजन की ज़रूरत है, और वो उसे कहता है कि तुम ये जो सोच रही हो वो एक फैंटेसी बेबी है, तुमने खुद को कन्विंस करने के लिए एक आइडिया मन में डाला है, इसके अलावा ये कुछ भी नहीं है। तब गुस्से में मार्शियन मैनहंटर पर हमला करते हुए वो कहती है नहीं, ये सही नहीं है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और हमारे प्यार से ही हमारा फ्यूचर बन सकता है, इस प्लैनेट को जिंदा करने के लिए हमें हमारे प्यार की ज़रूरत है। तब मार्शियन मैनहंटर गुस्से में अपनी टेलीपैथिक पावर्स का इस्तेमाल करते हुए वो कहता है तुम्हें इस प्लैनेट पर लाइफ देखनी है ना, तो तुम एक के थॉट के साथ ये नहीं कर सकती। और वो अपने सारे साउंड्स, अपने सारे पैनिक्स उसे सुनाते हुए कहता है तुम्हें उन सबको सुनना होगा डीके जो मैंने महसूस किया है, उन सबके प्रॉब्लम्स, उन सबके पैनिक्स, उन सबके ड्रीम्स, उन सबके होप्स, और उसके साथ उन सबके फियर्स जो कि अर्थ पर तड़प रहे हैं, जो अर्थ पर दर्द की भीख मांग रहे हैं। तब बेहाल होकर डीके उससे कहती है कि हम मिलकर पूरे वर्ल्ड को सेव कर सकते हैं, मैंने तुम्हारे लिए ये सब किया, मैंने अर्थ पर इतना खून बहाया, इतने लोगों को मारा, उनके टुकड़े किए हमारे हैप्पीनेस के लिए ताकि हम यहाँ पर खुश रह सके। तब वो उसे कहता है तुम्हें पता है डीके मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए, और उसे लेकर वहाँ से चला जाता है और बढ़ता है सन की तरफ और कहता है मेरे बिना मार्स नहीं जिंदा हो सकता, लेकिन अगर मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया तो ये अगर मगर का फैसला होगा, जैसे कि अगर मैंने प्लग को स्टॉप कर लिया होता तो
या फिर मैंने अपनी फैमिली को बचा लिया होता तो। लेकिन अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो मार्स का तो पता नहीं, लेकिन अर्थ पर लाइफ होगी नहीं। और इसका आंसर यही है कि तुम मेरे साथ ही मरो। और वो उसे सन पर ले जाते हुए खुद को और उसे डिस्ट्रॉय करता है। लेकिन व्हाइट लैंटर्न रिंग उसे फिर से जिंदा करते हुए कहती है, जॉन जोन्स ऑफ मार्स, मिशन अकम्प्लिश्ड हो चुका है और लाइफ रिटर्न की जाती है। और वो चॉइस देती है मार्शियन मैनहंटर को अपना होम वर्ल्ड चूज करने के लिए। तब वो चूज करता है अर्थ को और वो स्टार सिटी पहुंचकर वहां के लोगों को प्रोटेक्ट करने लगता है। और इसी वजह से व्हाइट लैंटर्न यानी कि डेड मैन वहां पर आता है। और व्हाइट लैंटर्न उसे कहती है कि तुम्हारे डेविएशन का सेंस और तुम्हारी ड्यूटी प्योर की जा चुकी है और तुम्हारा पर्पज सिंगुलर है। डेड मैन उसे समझाता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, जो भी उसने किया वो रिंग ने उससे करवाया। तब जॉन कहता है, मुझे पता है कि मैंने तुम्हारे थॉट्स पढ़े हैं और मुझे पता है कि तुम उससे लड़ रहे हो, और जो भी तुमने हॉकमैन, एक्वामैन, हॉक गर्ल के साथ किया वो तुम्हारा फॉल्ट नहीं था। ये लैंटर्न के प्लान का हिस्सा है और अगर यही पार्ट है प्लान का तो मैं तैयार हूँ। और इतना सुनते ही मार्शियन मैनहंटर पर डेडमैन अटैक करता है और मार्शियन मैनहंटर मिट्टी में मिल जाता है। और व्हाइट लैंटर्न उसे कहती है कि अर्थ ने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया है। तो इसी के साथ आज का वीडियो ये पर खत्म होता है। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ अगर आपके पास इस वीडियो जैसे ही कोई और टॉपिक्स हो तो भी मुझे कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, एन्जॉय द लाइफ, धन्यवाद और जय हिंद।